मीशा यहाँ आओ, हम खरीदारी करने जा रहे हैं। आ जाओ मीशा। कितना गंदा खेली सच में। जेन और कैथरीन के लिए इनमें से कौन सी लूं? यहाँ तो बहुत सी हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या राजकुमार कभी शादी करेंगे? हाँ। पता नहीं, पर मैंने सुना है कि वो एक फूल महोत्सव में गए थे अपनी मंगेतर देखने, पर उन्हें कोई पसंद ही नहीं आई। खैर छोड़ो, क्या तुम्हें ये हैट पसंद है? हाँ बहुत पसंद है। मुझे भी। जरा माफ कीजिए, बताइए क्या मैं ये महल में पहन कर जा सकती हूँ या नहीं? वैसे ये मेरे लिए नहीं है, मेरी बेटियों को नई हैट चाहिए। क्या आपकी बेटियों को महल में बुलाया गया है? बेशक, महारानी ने बुलाया है। ओह, क्या वो वहाँ काम करेंगी? ये आप क्या कह रही हैं? मेरी बेटियाँ वहाँ काम करेंगी? वैसे मैं आपको बताना तो नहीं चाहती थी, पर आप पर भरोसा कर सकती हूँ इसलिए बताती हूँ। मेरी दोनों बेटियों में से किसी एक का रिश्ता राजकुमार के साथ होने वाला है। क्या? क्या आपकी बेटियों में से एक महारानी बनेगी? मैं ये सोच रही हूँ, आपको अब तक पता कैसे नहीं चला? अच्छा मजाक है। आजकल तो हर कोई बस यही सपने देख रहा है ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे किसी और के बारे में तो नहीं पता, पर मुझे इतनी उम्मीद तो जरूर है कि मेरी दोनों बेटियों में से किसी एक का रिश्ता तो राजकुमार के साथ जरूर होगा, क्योंकि शाही खानदान के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। वो हमारे बहुत करीब हैं। क्या आप ड्यूक जरायल को जानती हैं? वैसे अब आप मुझे माफ कीजिए, क्योंकि मुझे अपनी बेटियों के लिए बहुत से कपड़े खरीदने हैं। मिसेस डेलवन, क्या आपने कुछ पसंद किया? माँ, बहुत सारे गहने बनाने वाले और टोपी बनाने वाले आपसे मिलने आए हैं। जरूर उन्हें मेरे और राजकुमार के बारे में पता चला होगा। मुझे खुशी है कि लोगों को सच पता चल गया। मैंने तो बस ये कहा था कि हाल ही में तुम दोनों राजकुमार से मिलने वाली हो। चाहो तो पूरे शहर में इश्तेहार बटवा दूँ। ये बहुत अच्छा है माँ, ये उस दिन के लिए बहुत अच्छा है जब मैं एक महारानी बन जाऊंगी। तुम ठीक कह रही हो, जल्दी मुझे इसकी आदत डालनी होगी कि लोग मेरे पीछे भाग रहे हैं। जो लोग आए हैं उन्हें अंदर भेज दो सिंड्रेला, हम उनसे मिलेंगे। ठीक है माँ। राज्य में हर कोई उसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ ड्यूक जरायल, लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि उनकी लड़कियों की शादी हमारे राजकुमार से होगी। ये सब बकवास है, ऐसी अफवाह किसने फैलाई बताओ मुझे। हाँ, डचेस डेलवन ने ऐसा कुछ लोगों से कहा है कि आपके और उनके बीच बहुत मधुर संबंध हैं, और इसी सिलसिले के लिए वो महल में आने वाली हैं। इस बार उसने सारी हदें पार कर दी। बिल्कुल सही कहा आपने ड्यूक जरायल, मैंने एक योजना बनाई है जिससे कि उसे सबक सिखाया जा सके। बहुत बढ़िया, तुम्हारी सोच अच्छी है। जी शुक्रिया। सिंड्रेला, मैं चाहती हूँ कि तुम शादी के सारे कामों की एक लिस्ट बनाओ, सब सोच के लिखना। अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ, आपको नहीं लगता कि जल्दबाजी हो रही है? क्या सगाई के बारे में जो अफवाहें उड़ रही हैं, मैं बताना चाहूँगी कि वो सब झूठ है। फिलहाल अफवाह है ना, पर अगर सब कुछ सही रहा तो कल को ये अफवाह एक सच्चाई में बदल जाएगी। तुम्हारे दिमाग में ये बात क्यों आई? क्योंकि तुम्हें मेरी बेटियों से जलन है, तुम उनका भला नहीं चाहती हो। नहीं माँ, मैं तो आपको बस। तुम ज्यादा सोचो मत और जैसा मैंने कहा है वैसा करो, बिना अपना दिमाग चलाए। आज के बाद से पूरा महल देखेगा, और मैं नहीं चाहती तुम हमें शर्मिंदा करो। अंदर आओ। तुम अब भी जाग रही हो कैथरीन? नींद नहीं आ रही। मैंने सोने की पूरी कोशिश करी कैथरीन, लेकिन मुझे तो यही सोच के नींद नहीं आ रही है कि राजकुमार मुझे पसंद करेगा और हमारी शादी हो जाएगी, बस यही बात सता रही है। तुम्हें इतना ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए जेन, नए कपड़ों में तुम ठीक ठाक ही लग रही होगी। तुम्हें राजकुमार के साथ शादी करने का सपना छोड़ देना चाहिए। ये गलत है, इस राज्य पे तो मैं ही राज करूंगी, समझे? जाके सो जाओ जेन, सो जाओ और सपने देखो। मुझे माफ कर दो, क्या तुम मुझे कहानी सुनाओगी भूत वाली? क्या क्या तुम मुझे वो डरावनी कहानियाँ सुना सकती हो जो हमेशा सोने से पहले सुनाती हो, किले वाली?
ठीक है, लेकिन एक ही सुनाऊंगी। चलो अब सुनाओ भी, मैं तैयार हूँ। ठीक है, मैं ऐसे घर की कहानी सुनाऊंगी जहाँ भूत रहते थे। ये कहानी करीब 200 साल पुरानी है। एक अंधेरे घने जंगल में एक पुराना किला हुआ करता था। वो पूरी तरह से सुनसान था, वहाँ कोई नहीं रहता था। पूनम की रात को जब चांद की रोशनी हर तरफ बिखरी होती थी, किले में से अजीब आवाजें आती थी। हर तरफ से भयानक चिल्लाने की आवाजें आती थी। फिर क्या हुआ? शायद दरवाजे पे कोई है। क्या ये मीशा है? मुझे नहीं लगता मीशा ये सब करेगी, वो इतनी बड़ी कहाँ है, मुझे डर लग रहा है। हो सकता है सिंड्रेला कर रही हो। डर लग रहा है। तुम्हें तो डरना था। मुझे ये भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करना है। आपको क्या चाहिए, मुझे कैसे पता होगा? ये शोर कैसा है? सिंड्रेला रुको, हम डर रहे हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने के लिए आपकी बेटियों की शादी राजकुमार से होगी? आखिर इस सब का क्या मतलब है? एक चेतावनी है डचेस, इस राज्य को एक हफ्ते के भीतर छोड़ दो या फिर आज के लिए इतना बहुत है। चलो हम यहाँ से निकल रहे हैं। चलो मुझे यकीन नहीं होता उनकी इतनी हिम्मत। इसे भूल जाओ, पैच वो निकल गए हैं। वो बदमाश राजकुमार की होने वाले मंगेतर के घर ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या हम यहाँ से चले जाएंगे माँ? बोलो ना माँ। बिल्कुल नहीं बेटा, किस्मत अच्छी है कि हमें चोट नहीं लगी। जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार तुम हो सिंड्रेला। तुम उन्हें अंदर आने से रोक सकती थी पर तुमने ऐसा नहीं किया। मैं उन जैसे लोगों से बिल्कुल नहीं डरती हूँ, पर हमें सावधान रहना होगा। मैं पियर से कहती हूँ कि वो घर के बाहर पहरा दे और तुम इस बात का ध्यान रखना कि सब कुछ ताले में बंद रहे। ठीक है माँ। और सिंड्रेला जी माँ, आज रात से सोने की बजाय तुम पियर के साथ रात को पहरेदारी करोगी। क्या पूरी रात? बेशक, मुझे तो इस समस्या का यही हल नजर आ रहा है, क्योंकि मुझे अपनी बेटियों की हिफाजत हर हाल में करनी है। समझी? समझ गई। कोई भी तुम्हारे इस प्यारे सपने को सच होने से नहीं रोक सकता। बहुत बढ़िया, काश मैं तुम्हारे साथ वहाँ होता। मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग बुरिया बिस्तर बांधकर भागने के लिए तैयार हो रहे होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है हुजूर आला, उसने अपने घर के बाहर सुरक्षा सैनिक तैनात कर दिए हैं। क्या हुजूर? वो तो ये कह रही है कि चोर उसके घर में घुसे थे पर उसने डरा के भगा दिया उन सबको। क्या बकवास है, मुझे लगता है हम नरमी से पेश आए। शुक्रिया सिंड्रेला। कैसी हो सिंड्रेला? तुम कैसे हो चार्ल्स? कुछ खरीद रही हो क्या? हाँ, और मुझे तुम्हारे साथ खरीदारी करनी है। आओ मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो ये बैग तुम्हारे घर के लिए तालों से भरा है? हाँ, माँ इन तालों को हर दरवाजे पर लगाना चाहती है सुरक्षा के लिए। उन चोरों को देखना काफी डरावना होगा। हाँ सही कहा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे तलवारबाजी सिखाओ चार्ल्स। क्या तुम्हें तलवारबाजी सीखनी है? हाँ हाँ, क्या तुम मुझे सिखाओगे? जरूर, क्यों नहीं सिंड्रेला। ठीक है, अब मुझे अपनी छड़ी से छुओ। तो ठीक है फिर। क्या हुआ, इतनी जल्दी हार मान ली क्या? नहीं, आसान काम नहीं। लगता है तुम्हारे बस का नहीं है। मुझे तलवारबाजी सीखनी ही है ताकि मैं अपने घर की रक्षा कर सकूं। बात काफी बहादुरी की है, लेकिन अकेले कैसे लड़ोगी उनसे? हाँ मैं अकेली नहीं हूँ चार्ल्स, मेरे साथ है चूचू, बिंगो, पैपी और पैच। हाँ ये तो हम सब ने देखा था कि वो असली सेना को देखकर कैसे घबरा गए थे। क्यों, सही कहा ना? अच्छा चार्ल्स, तो तुम अब ऐसी बातें करोगे? हाँ, मैं
मैं तुम्हारे बगैर भी लड़ सकती हूँ अगर मुझे लड़ना पड़े तो। ऐसा है क्या? क्या तुम इसे तलवारबाजी कहती हो? मुझे तुमसे मदद मांगनी ही नहीं चाहिए थी। अलविदा। रुको सिंड्रेला, गुस्सा मत हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे लड़ते हैं। अब तो खुश हो ना तुम? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तो यहाँ केवल आपकी मदद करने आया था। हालात के बारे में सोच कर देखिए माँ, हमें एक और पहरेदार मिल सकता है। ये सही कह रही है माँ, वो जवान और शक्तिशाली है हमारी रखवाली के लिए। अब मैं पहरा दूंगी चार्ल्स। सिंड्रेला, तुम तो बिल्कुल एक मस्केटियर लग रही हो। हाँ, सही कहा तुमने, शुक्रिया। काफी जल्दी सीखती हो तुम। मेरे ख्याल से तुम्हें अंदर ही रहना चाहिए, अगर वो चोर फिर आ गए तो। तुम थक गए होगे, जाओ जाकर आराम करो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ ला सकती हूँ? चॉकलेट दूध पियोगे? स्वादिष्ट रहेगा ये। क्या तुमने सही में रात भर चौकीदारी की है चार्ल्स? हाँ। मैं तुम्हारे बारे में रात भर चिंतित था, मैं खुद नहीं सोया और तुम्हें ढूंढने के लिए लोग भी भेजे मैंने। इतनी चिंता मत कर। मैं तुम्हारा खास दोस्त हूँ और तुम विश्वास नहीं करोगे कि तुम्हें बचाने के लिए मैंने कैसी कैसी कहानियाँ बनाई थी। माफ करना एलेक्स, लेकिन ये जरूरी था। उम्मीद करता हूँ कि तुमने उन बदमाशों को वहाँ से मार भगाया होगा। कल रात को तो कोई नहीं आया, लेकिन हो सकता है वो आज शाम को आ जाए। चार्ल्स, ये क्या कह रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। आज की रात महल में एक बहुत बड़ा जश्न होने जा रहा है, वहाँ तुम्हारा होना जरूरी है। सुना तुमने? आज इसका कुछ नहीं हो सकता। ये आपको कहाँ से मिला? इसकी भी एक मजेदार कहानी है। मेरे पुरखों ने ये पहनकर कई लड़ाइयाँ जीती हैं। आज मैं सामने के दरवाजे पर पहरा दूंगी। मैंने सोचा चार्ल्स हमारी मदद करने फिर आएगा। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन सब ठीक होगा। मुझे लगता है चार्ल्स थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगा। वो मेरा दोस्त है और हमारी मदद जरूर करेगा। क्या कर रही हो जेन? पर्दा बंद करो। मैं सिंड्रेला को देख रही हूँ, कहीं वो डरी हुई तो नहीं है? नहीं, वो तुम्हारे और मेरे जैसी समझदार नहीं है, इसलिए फिक्र मत करो। चलो अब सोने आ जाओ। सोगी नहीं तो आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाएंगे। तुम अभी भी जाग रही हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। माफ करना, मैं तुम्हारे लिए चाय लाई हूँ। मेरे लिए? हाँ सिंड्रेला। ये बहुत उबाऊ है। हाँ वो तो है। बेड का टुकड़ा। सितारों से तोहफा मिला है। एलेक्स, तुम्हें मुझसे रात भर चिपके रहने की जरूरत नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ चार्ल्स, जैसे ही मेरी नजर हटेगी तुम महल से भाग जाओगे। तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। कौन है वहाँ? कैथरीन, भागो, वो लोग फिर से आ गए। तुम लोग अब तक गए नहीं? नहीं, नहीं। मैंने इसे मार दिया। Oh,
मुझे यकीन नहीं होता मैंने उसे मार दिया। ये लो, इससे काम बन गया। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। हटो मेरे सामने से, हटो। मुझे माफ करना चार्ल्स, मेरा ध्यान कहीं और था। कोई बात नहीं एलेक्स, लेकिन ऐसे बच्चों की तरह मेरा पीछा मत करो, मुझे ये सब पसंद नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार करता हूँ। इसे इतना वक्त क्यों लग रहा है चार्ल्स? हाँ फिर बेवकूफ बनाया। चलो अब काम की बात करते हैं। अगर तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए तो बताओ कितने चाहिए। पैसे से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने कहा था ना कि राज्य छोड़ के चले जाओ तुम लोग। हम ये राज्य छोड़कर नहीं जाएंगे क्योंकि मेरी इन दोनों बेटियों में से कोई एक राजकुमारी बनने वाली है। ये सही कह रही है। नहीं ऐसा नहीं होगा, बंद करो ये बकवास। तुम्हारी बेटियों की शादी राजकुमार से कभी नहीं होगी। अब बोलो तुम लोग जाओगी या नहीं। ये किसने किया? उन्हें अकेला छोड़ दो। चार्ल्स आ गया, उसका मुकाबला करो। अरे तुम तो जाने पहचाने हो। चलो निकलो यहाँ से लड़कों। वो ब्लेड था जो ज़रायल के लिए काम करता है। बचाओ, आ गई है। हाँ? कोई जल्दी आकर हमें बचाओ, हमें बचाओ। कोई पानी लाओ, जल्दी करो, जल्दी कोई आओ, हमें बचाओ, बचाओ, पानी लाओ, कोई बचाओ। अब तो इन्हें बचाना होगा। देखो आग बुझ गई है। हाँ? देखो। शुक्रिया चार्ल्स। सिंड्रेला तुम ठीक हो है ना? ओह मैं डर गई थी। चिंता मत करो, सब खत्म हो गया है। क्या तुम ठीक हो चार्ल्स? एक खरोंच भी नहीं आई। तुम बहादुर हो। कितनी अच्छी बात है, वो मीशा की मदद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुमने बात करना कब सीख लिया? हाँ। मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। हम नहीं जा रहे। मैं तभी यहाँ से जाऊंगी जब जेन या कैथरीन में से कोई उस महल में राज करेगी। कमाल है, वैसे सपने तो सभी देखते हैं